हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर जो आप लोगों का भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और आप रिफंड चाहते हैं, तो इसके लिए आप जैसा कि जानते भी हैं कि सहारा इंडिया का जो है एक पोर्टल लॉन्च हो चुका है, सहारा रिफंड पोर्टल, जिसे आप जो है जिसका वेबसाइट का नाम है CRCS रिफंड पोर्टल। आप देख सकते हैं हमारे होम पेज पर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस पोर्टल से आप कैसे जो है अप्लाई करेंगे अपने सहारा इंडिया के पैसे को जो है रिफ़ंड करने के लिए, अगर जो आपके पास एक बॉन्ड है या एक से ज़्यादा पॉलिसी हैं या जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप अदर अदर शिफ्ट में, तो उसको कैसे आप जो है एक ही बार में पूरे जो है एक ही साथ में रिफंड पोर्टल रिफंड पोर्टल पर दावा कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अगर जो आपके पास एक मतलब कई बॉन्ड हैं, जैसे दो बॉन्ड हैं या तीन बॉन्ड हैं या चार बॉन्ड हैं, इस प्रकार से अगर जो एक ही नाम से आपके कई बॉन्ड हैं, तो उनको जो है आपको एक ही बार में रजिस्टर करना है, इस पर दावा करना है, तभी आपका हो पाएगा। अगर जो आप इसमें गलती करके एक ही बॉन्ड को अप्लाई कर देते हैं, फिर दोबारा आपका पुनः में मतलब जो है दोबारा में आप जो है अदर बॉन्डों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वीडियो सावधानी पूर्वक देखना है कहाँ पर आपको किस चीज़ को बॉन्ड को कैसे जो है इसमें दावा पेश करना है वो आपको बता दें हम। तो जिसके लिए पोर्टल पर भी PDF पड़ी हुई है, मैं इसकी जो है उपयोगकर्ता पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि किस जगह पर क्या क्या आपको करना है, कैसे इस फॉर्म को सही से आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे, मैं एक जो है PDF डाउनलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको सारे जो है मैनुअल तरीके से बताने की सारा प्रयास करूंगा, जो जिसमें आप जो है आसानी से जो है समझ पाएंगे, बहुत आसानी से। इसमें सारे स्टेप दिए गए हैं जो आप आसानी से समझ पाएंगे, जैसे आप भरेंगे उसी प्रकार से, जैसे इसमें बताया जाएगा उसी प्रकार से आप आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, मैं इस CRCS रिफंड पोर्टल जमा करता है तो सूचना फॉलो करें, यानी कि इसमें जो सूचना दी गई है कैसे आपको फॉलो करना, कैसे भरना है, उसको आप पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। वेबसाइट कृपया देखें, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर जो है आपको आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये हमारा बैक हो गया है, फिर से जो है हम डाउनलोड कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक अगर जो आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न जो है उसमें आप देखेंगे इस प्रकार की वेबसाइट आपको दिखेगी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए, जमाकर्ता का पंजीकरण करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जमाकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया, ठीक। तो यहाँ पर इस साइड में आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा जमाकर्ता पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे की तरफ आएंगे तो जो है दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा आपके जो है आधार नंबर के 4 अंक जो है लास्ट के दर्ज कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा नंबर आएगा 10 अंकी आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करें, यानी कि जो आपके आधार पर नंबर लगा हुआ है उसको आप इस नीचे वाले बॉक्स में जो है इंटर कर देना, फिर OTP प्राप्त पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे OTP प्राप्त पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP दर्ज करे का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसमें आप जो है आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें, यानी कि जो आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP गई होगी, उस OTP को इसमें दर्ज कर देना है, जो ये तीसरा ऑप्शन आपके पास OTP दर्ज करे का ओपन हुआ है, ठीक। उसके बाद OTP सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे, नीचे जो ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ तक आपका हो गया, उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें, हो गया। अगर जो आप खुला रखे हैं तो रखने दीजिए, या आपका जो लॉगआउट हो गया है तो आप जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप जो है अपना आधार नंबर जो है डालेंगे, आधार के 4 अंक लास्ट के डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसी प्रकार से OTP आएगी और इसमें OTP इंटर कर देंगे, ठीक है, जैसे पहले मैंने बताया था। फिर पांचवें स्टेप में आपके पास फर्स्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्टेप आपको मिल जाएंगे, ऊंची की तरफ 1, 2, 3 दावा विवरण जैसे है, और फिर 4 है, फिर 5 दस्तावेज अपलोड करें, फिर 6 धन्यवाद का है आपका ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले जो ऑप्शन में है, जो यहाँ पर आपको जो है नियम व शर्तें मिल जाएंगी जो आप जो है
पूरी जो है पढ़ लेना है आपको, कैसे कैसे आपको आगे काम करना है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, क्या इसके नियम हैं, ठीक है। फिर जो है इस जो बटन ये आप देख रहा है कि नियम और शर्तें, मैं सहमत हूँ, तो इस जो बॉक्स बना है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और उस क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे आप व्यक्तिगत विवरण पे। तो इसमें आपको जो है अपना पूरा आधार नंबर इंटर करना है, पूरा आधार नंबर आप इसमें इंटर कर देंगे, फिर ओटीपी प्राप्त पर क्लिक करेंगे। ओटीपी प्राप्त पर जब क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर जो आधार पर आपका जो नंबर लगा है उस पर ओटीपी चली जाएगी, उस ओटीपी को आपको इसमें इंटर कर देना है, और फिर जो है ओटीपी सत्यापित पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करते हैं तो आपकी जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगा, जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विवरण आधार से प्राप्त किया गया, यानी कि आधार से ऑटोमेटिक कुछ डिटेल आपकी जो है कैप्चर कर लेगा इसमें, जो यहाँ पर शो करने लगेगा, जैसे कि आपका नाम, मध्यम नाम और जो है उपनाम, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको जो है इस नाम को सबमिट करेंगे, अगले वाले बटन पर प्रेस करेंगे जो अगला लिख करके आता है उस पर आप जो है क्लिक करेंगे, और आप जो है इस तरह प्रकार के पेज पर आ जाएंगे जिसमें आपका जो है पिता या पति का नाम लिखा होगा। विकल्प एक मिल जाएगा ईमेल आईडी का, जिसमें आपको अपनी जो है ईमेल आईडी इंटर करनी है, ठीक है दोस्तों, अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, फिर ईमेल सहेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया आपका, मतलब जब उस पर करेंगे तो आपका जो है व्यक्तिगत विवरण जो है सफलतापूर्वक सहज हो जाएगा, यानी कि इसमें सेव हो जाएगा। फिर जो अगला वाला बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अगला वाला बटन क्लिक करने के बाद आप कुछ इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पर, इसमें लिखा है दावा विवरण, ठीक है दोस्तों। अब इसी में दोस्तों ध्यान देना है आपको, अगर जो आपके पास कई बॉन्ड हैं जो आपको इसी में ऐड करने हैं, एक बॉन्ड है तब तो एक ही आपको ऐड करना है, अगर जो एक से अधिक हैं आपके पास तो यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आइए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सोसाइटी का नाम, तो यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक करेंगे और अपनी सोसाइटी का नाम इंटर कर देंगे। सदस्यता संख्या जो आपके बॉन्ड जो होंगे उस पर लिखा हो गया सदस्यता संख्या या मेंबरशिप, इसी प्रकार से लिखा होगा। अपना खाता संख्या देंगे यहाँ पर, प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देंगे जो आपके बॉन्ड पर लिखा होगा। खाता खोलने की तिथि, यानी कि किस तारीख को आपने उसमें जो है खाता खोला था, किस तारीख को आपका बॉन्ड बनाया गया था, ठीक है, वो इसमें इंटर कर देना है। जमा योगदान राशि, यानी कि कितनी आपने राशि समय जमा की है उसको आपको इसमें इंटर कर देना है। फिर जो है लिखा है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ, यानी कि कोई आपको आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ हो तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिए हैं, तो अगर जो लिए हैं ऋण तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है लिखा पा जाएंगे जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी कि जो आपके पास बांध रहे जो भी आपको मिला था रिसिप्ट वहाँ से उसको आपको स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है। जितनी जो जो इसमें ले रहा है, और जैसे कि PNG आपकी हो, JPG हो या PDF हो, कोई भी प्रकार की आपकी फाइल हो इसमें ले सकता है। 3 MB से कम होना चाहिए, 3 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों जो है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है दावा जोड़ें, तो इतना करने के बाद आपको दावा जोड़ देना है। आप आता है अगर जो आपके पास और हैं बांड तो उसे कैसे जोड़ेंगे, तो ये जो है आपका यहाँ पर नीचे जो है देखेंगे आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार कुछ आपका ये दावा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से ये आपके जो है ब्लैंक हो जाएंगे कॉलम, वहाँ पर एक सेव हो जाएगा और ये कॉलम जो है ब्लैंक हो जाएंगे। तो इसमें आपका अगर दूसरा बांड है तो उसे आप फिर से जो है यहाँ पर उसी प्रकार से पूरी डिटेल उसकी भर करके, फिर जो है आप जितने भी बांड हैं आप उसी में इसी पर से जो है क्लिक करके
दावा जोड़े पर क्लिक करके आगे के जोड़ते रहेंगे। सभी बांड आपको एक एक करके उसी प्रकार जोड़ते रहेंगे। जितने बांड आप जोड़ेंगे नीचे आपकी वो लिस्ट एक जैसे यहाँ पर है, तो गिनती क्रमवार सीरियलवार आपके जो है इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे, वहाँ पर उनकी सारी डिटेल शो होती रहेगी। अगर जो इनमें जोड़ने में आपकी कोई मिस्टेक हो गई, कोई नंबर वगैरह या मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा एडिट का, तो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर जो गलत जुड़ गया है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर जो 2, 4, 6 जो भी बांड हैं वो इसी के नीचे आसानी से यहीं से आप जोड़ सकते हैं। एक जोड़ेंगे, उसे दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे, फिर ठीक है दोस्तों, फिर वो आपकी डिटेल जो फिल की है यहाँ पर वो जो है पूरी खाली हो जाएगी और यहाँ पर आपकी वो डिटेल शो करने लगेगी नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरा इसी प्रकार जोड़ेंगे, फिर तीसरा, जो जितने भी बांड हैं सारे आपको क्रमवाइज जोड़ देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल आपकी जितने बांड जोड़े होंगे यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है, जिससे लिखा है दावा विवरण यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आएंगे नीचे की तरफ, तो अगला प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर लिखा है एक बार भी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फार्म तैयार करें, ठीक है। तो उसके बाद कृपया सुनिश्चित करें कि फार्म तैयार करने के पहले सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जमाकर्ता कोई बदलाव नहीं कर पाएगा या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएगा। यानी कि एक दावा आपने जोड़ दिया है तो उसके बाद आप दूसरा दावा नहीं जोड़ पाएंगे। यहाँ पर जो आप चौथे स्टेप में पहुँच जाएंगे उसमें लिखा है कि आप उसका दावा करें कि जो है आपने जितना जोड़ा है वो सही जोड़ा है और जो भी है वो जो है सही है। तो यहाँ पर इस फार्म को आपको डाउनलोड करना है। इस चौथे नंबर पर जैसे आएंगे तो इस फार्म में आपके पास इस प्रकार का आ जाएगा, तो इसको आपको यहाँ से जो प्रिंट वाला ऑप्शन है यहाँ से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपका देना है, ठीक है, फ़ोटो लगाएं अपना, वो भी नीचे की तरफ आपके साइन भी होने चाहिए, फ़ोटो के नीचे आपके साइन भी होने चाहिए। बाकी जो जो यहाँ पर आपका नाम वगैरह फिल हुआ मिल जाएगा, एड्रेस आपको अपना फिल कर देना है, बैंक नेम अपना फिल कर देना है और आपके जितने भी आप उसमें जोड़े हैं वो सब यहाँ पर दिखेगा। इस प्रकार से इसमें वो कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो है अपने जमाकर्ता के हस्ताक्षर भी होंगे, वो अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर दे, डेट डाल दे, बैलेंस डाल दे, अपना मोबाइल नंबर डाल दे। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को फिल कर लेना है। फिर इसे अपने कंप्यूटर या फ़ोन से स्कैन करके फिर यहाँ पर आएंगे अगले स्टेप में, पांचवें स्टेप में दस्तावेज अपलोड करें में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा दावा आवेदन पत्र, फोटो, सेवाएं एवं हस्ताक्षर स्कैन सहित, मतलब सारा कुछ जो है इसमें ये आपको स्कैन करना है, जो आपका फ़ोटो वगैरह सब इस पर चिपका कर सही किया है वो आपको पूरा स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है फर्स्ट वाले मेनू पर, ठीक है। जब आप फिर जो है आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फाइल यहाँ पर चूज कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है पैन नंबर दर्ज करें, ऑप्शन मिल जाएगा आपको पैन नंबर दर्ज करें, ठीक है। तो पैन नंबर आपको जो भी आपका पैन नंबर है इसमें दर्ज कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा पैन कॉपी अपलोड करें, यानी कि अपने पैन कार्ड की जो फोटो कॉपी है उसे अपलोड कर देना है इसमें। दोस्तों ये प्रोसेस आप ऑनलाइन करते रहें, हमारा वीडियो देखते रहें, तभी आप जो है कर पाएंगे, वरना इतना लंबा प्रोसेस आप भूल जाएंगे रास्ते बीच में ही और आपका जो है यहाँ पर आपको जो है अपना दावा पत्र अपलोड कर देना है, पैन नंबर दर्ज करना है, फिर पैन की फ़ोटो कापी अपलोड कर देना है। उस सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो अगला बटन आपको मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा धन्यवाद, हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या है इतना, यानी कि आपकी जो दावा अनुरोध संख्या है वो यहाँ पर जो है लिखी हुई नज़र आएगी। फिर लिखा है भविष्य के संदर्भ के लिए इसको आपको जो है नोट कर लेना है या इसकी प्रिंट एक आपको निकाल लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है अपना पूरा फॉर्म आसानी से कर पाएंगे।
दोस्तों इसे आप अगर जो जो भी फील किए हैं और देखना चाहते हैं तो ये जो पिछला बटन है इस पर क्लिक कर करके आपने जितने स्टेप भर चुके हैं वो सारे स्टेप को आपको एक बाई मतलब वन बाई वन चेक कर लेना है आसानी से कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। उसके बाद यही जो है आपको अगला जो है पर क्लिक करना है ताकि आपकी अगर जो कोई मिस्टेक हो सही कर लें, क्योंकि इसमें दोबारा संशोधन का कोई ऑप्शन इस समय नहीं दे रहे हैं। और अगर जो एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर आपका वही रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, उतना ही आपको इसमें माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोसेस था जो है अपना पैसा रिफंड लेने के लिए आवेदन का। तो आप लोग जो है आसानी से इस पर आवेदन कर लें जो है सहारा रिफंड पोर्टल पर, ताकि जैसे ही इसमें रिफंड आता है तो आप लोगों को भी मिल जाए। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर अगर जो आप लोगों के जमा है पैसा सहारा इंडिया में तो ज़रूर ही रजिस्ट्रेशन कर लें, और वो भी जल्द से जल्द कोई भी मिस्टेक बिना किए हुए। अगर जो इस पोर्टल के बारे में या इस सहारा के रिफंड के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां से आप लोग आसानी से उसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।